फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी। होप यू आर गुड। और जेई का आज क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पीरियड निकालना है इसमें हमें एफ ऑफ एक्स का, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब एक्स की सारी वैल्यूज जो होंगी वो रियल वैल्यूज होंगी और आउटकम भी रियल होगा। तो दो चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन डायरेक्ट आपको एफ ऑफ एक्स दिया नहीं है। एफ ऑफ एक्स के लिए वी आर गिवन दिस कंडीशन, हमें ये कंडीशन दी हुई है और वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो पीरियड के बारे में आपको मालूम होगा कि पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू और रियल भी होगी। एफ ऑफ सच दैट एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज वॉट एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा होता है, इफ इट हैपन्स सो, देन पीरियड इज कॉल्ड टी। जैसे साइन एक्स का आपको मालूम होगा कि साइन एक्स के केस में आप देखें, साइन टू पाए प्लस एक्स इज वॉट साइन एक्स, देयर फोर इट्स पीरियड इज टू पाए। टेन के केस में मालूम होगा आपको, टेन ऑफ पाए प्लस एक्स इज वॉट टेन एक्स। टेन टू पाए प्लस एक्स भी टेन एक्स होता है, पर हमें पीरियड के केस में आपको मालूम होगा या आप इस बात की जानकारी रखते होंगे कि पीरियड इज वॉट। तो पीरियड इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये कैसी वैल्यू होगी? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी सच दैट एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। जैसे इस केस में आपने देखा कि साइन टू पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। साइन पाई प्लस एक्स देखिएगा, साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स, देयर फोर इट्स पीरियड कैनॉट बी वॉट पाए। पर टेन के केस में इसका पीरियड पाए होगा, बिकॉज टेन ऑफ पाई प्लस एक्स इज वॉट टेन ऑफ एक्स, एंड टेन ऑफ टू पाई प्लस एक्स भी टेन एक्स है। पर हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए दोस्तों स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है? इसकी पाए है। अगर इस केस में मॉड होता साइन पाई प्लस एक्स में, तो फिर इसका पीरियड क्या बन जाता? पाए बन जाता, क्योंकि इस केस में ये माइनस क्या बन जाता? प्लस बन जाता। तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि क्या इसका पीरियड ए है। अगर ए होता तो कुछ एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा दिखता। तो ए तो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर इसका पीरियड क्या हो सकता है? तो इसका पीरियड फिर एक काम करते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसका पीरियड क्या 2a होगा, क्या 3a होगा, क्या 4a होगा? तो हम एक एक करके धीरे धीरे स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे? वी शुड रिप्लेस x बाय a प्लस एक्स। एक्स की जगह हमें ए प्लस एक्स से रिप्लेस करना चाहिए। अगर ए प्लस एक्स से काम नहीं बनेगा तो फिर हम 2a प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे। फिर नहीं काम बनेगा तो हम 3a प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे। इन दिस वे वी शैल प्रोसीड, बट नेवर माइंड एंड डोंट वरी। क्यों? क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल ऑर्डिनरी क्वेश्चंस जैसा नहीं है, इसलिए आपको साथ साथ बने रहना है और समझना है। एक क्वेश्चन आने से आपको कई क्वेश्चंस के आइडियाज़ आते हैं। तो आप इसको ये ना माने कि ये हमारे लिए जो क्वेश्चन है ये बहुत मुश्किल होगा और इट विल टेक मच टाइम। नो नेवर माइंड। क्योंकि इसीलिए जेई में आपने देखे होंगे कि कई लेवल्स भी बने होते हैं, ताकि आपको जिन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उनका वेटेज भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक्स को अगर मैं ए प्लस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एक्स, और राइट साइड विल बी वॉट 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? तो 1/2 प्लस यहां पर एफ ऑफ ए प्लस एक्स कैन बी टेकन कॉमन, सो लेट्स टेक एफ ऑफ ए प्लस एक्स कॉमन, सो दैट इट बिकम्स एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ ए प्लस एक्स। एंड वॉट इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स? यू कैन सी हियर एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं। वट इज दिस?
तो आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी अलग से निकाल लें पहले, और फिर उसको उसका स्क्वायर रूट कर लें। तो हम एक काम कर सकते हैं, लेट दिस बी नंबर वन, इसको हम अभी दिमाग में रख के छोड़ देते हैं। अब एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू निकालते हैं। तो ना आओ देखिएगा दोस्तों, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू वन माइनस एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज व्हाट। तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू आप देख लो, ये लिखा हुआ है 1/2 रूट ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू वन माइनस वन बाय टू प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमने रख दी है। अब इसे देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, 1/2 प्लस शुड बी देयर, 1/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 इज व्हाट, 1/2। माइनस प्लस इज व्हाट, माइनस रूट ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए आपका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई कैन रब दिस नाउ एंड कीप दिस थिंग ए ग्रेटर देन जीरो इन योर माइंड। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट, 1/2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ दिस स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/4 माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ वी कैन टेक एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और कीप दिस थिंग इन माइंड, वी हैव एफ ऑफ 2a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस ए इज 2a प्लस एक्स इज दिस। सो दिस आई कैन राइट ट्वाइस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वी कैन राइट ट्वाइस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू यू कैन सी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और अगर इस 4 को भी उसमें ले लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ दिस जो हम कह रहे थे, ध्यान से देखिए आप, ये मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो 1 में लिखी हुई थी वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो गई अब आप देखिएगा दोस्तों। तो ये वैल्यू हो गई है हमारे पास 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब एक बात आपको याद होगी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नॉट प्लस माइनस एक्स, हियर हियर इट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सो व्हाट इज दिस, दिस आई कैन राइट 1/2 प्लस मॉड ऑफ ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस 1
upon 2 in modulus. And what is left side? F of 2a plus x. F of 2a plus x is equal to this much. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, प्लस कंसीडर करनी है कि माइनस? क्योंकि मैग्नीट्यूड में आपको मालूम होगा कि मॉड ऑफ एक्स इज व्हाट नाउ. सो मॉड ऑफ एक्स आई कैन राइट हियर, मॉड ऑफ एक्स इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो. What is this? Mod of x is plus x. Plus x होगा जब x greater or equal to 0 होगा और minus x when x is less than 0. तो ये हमारे पास थे दोस्तों 1 by 2 plus. ये वाली value जो है, अगर आपका ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर आपका f of x twice f of x minus 1 by 2 greater than or equal to 0 होगा. Twice f of x minus 1 upon 2 अगर आपका क्या होगा, greater than or equal to 0 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इस तरह से, twice f of x minus 1, twice f of x minus 1 by 2, और LCM लेंगे तो ये हो जाएगी 1 by 2 plus twice f of x minus 1 upon, LCM लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ x. लेफ्ट साइड इज f ऑफ 2a प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ x. पर अगर दूसरा केस है, कौन सा दूसरा केस है, जब ट्वाइस f ऑफ x माइनस 1, ध्यान से देखें, इफ f ऑफ ट्वाइस f ऑफ x माइनस 1 बाय 2 इज लेस देन जीरो. अगर आपके पास ऐसा है, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू इज लेस देन जीरो, तो ध्यान से देखिए, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी. और जब इसकी वैल्यू माइनस की होगी, तो आपको एक बात और ध्यान रखना है कि व्हाट डज इट इम्प्लाई. तो ये इम्प्लाई करता है ट्वाइस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो, और विच इम्प्लाइज f of x is less than what? F of x is less than what? F of x is less than 1 by 2. F of x is less than 1 by 2. अगर ऐसा होगा तो, f of x is less than 1 by 2 होगा तो, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी f of 2a plus x is equal to 1 by 2 minus times. Minus times what? Minus times this. Twice f of x minus 1 upon 2, sorry, ये इस तरह के, इस तरह की वैल्यू होगी, और which on simplifying will be क्या होगा, 1 minus twice f of x plus 1. क्लियर है क्या दोस्तों? तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस 1 इज व्हाट, 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 2 एफ एक्स अपॉन कितना 2 इज इक्वल टू, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स. तो ये कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया एफ ऑफ 2a प्लस एक्स. कितना बन गया एफ ऑफ 2a प्लस एक्स दोस्तों? f of 2a plus x बन गया 1 minus f of x. तो मैं ये यहाँ पर इस बात को कोट करता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि JEE के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो f of 2a plus x is equal to, ध्यान से देखिए, f of 2a plus x is what? It is 1 minus f of x. ये हो गया दोस्तों 1 minus f of x. अगर मैं x की जगह x माइनस a लिख दूं तो क्या बन जाएगा, ये देखो दोस्तों, तब ये बन जाएगा f ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 2a प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस a.
तो ये क्या बना दोस्तों, ये एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए बन गया। तो इज इट ट्रू? नो इट इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स ए प्लस एक्स का वैल्यू क्या था? तो मैं आपको बताता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू, तो आपको मालूम है क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज वन बाय टू रूट ओवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू ये नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू ये नहीं है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू ये है। तो देयर फोर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज कैनॉट बी दिस। और अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स दिस नहीं हो सकता है, इट इफ इट कैनॉट बी दिस, तो एफ ऑफ टू ए प्लस एक्स की वैल्यू जो ये लिखी हुई हमने, ये जो लिखी हुई है दोस्तों, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो विच वैल्यू इज पॉसिबल? तो इसकी यही वैल्यू पॉसिबल होगी, एफ ऑफ टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफोर पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज वॉट? देयरफोर पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज, क्यों देखिए आप, एफ ऑफ टू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। देयरफोर पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज टू ए। क्या आंसर है आपका? तो जो भी आपका आंसर ऑब्जेक्टिव, जिसको भी 2a कहता था, वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम इसमें डायरेक्ट 3a हमने क्यों नहीं रखा, 4a क्यों नहीं रखा? तो मैंने आपको कारण बताया है कि जो भी पीरियड होता है वो पीरियड स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ऑफकोर्स a इज़ ग्रेटर देन जीरो, लेकिन हमने देखा कि एफ ऑफ ए प्लस एक्स तो कुछ दिया हुआ था, दिस इज़ नॉट एफ ऑफ एक्स, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ना पड़ेगा तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस ए। अगर इससे नहीं आता तो फिर x की जगह क्या लिखना पड़ता दोस्तों हमें, x प्लस टू ए। फिर उससे भी नहीं आता तो x की जगह x प्लस थ्री ए। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है, फिर भी आप समझ चुके हैं कि ये किस तरह से किया। आप और फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे जो पिछले वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, या चैनल ये जो वीडियो है वीडियो के एंड में देखिए, तो फंक्शन के और वीडियोस भी डले हुए हैं, फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं और आप अपने फंक्शन के कंसेप्ट खुद बना सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेस हैं, चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको, ऑल द बेस्ट टू यू।